नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं इस YouTube चैनल एस एस में आज का हमारा विषय है सक्सेस थ्रू फेयर मीन्स और फाउल मीन्स आई या मॉरल और इमोरल नैतिक या अनैतिक देखो हम सब लोग ना इस भौतिक वातिक दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ हर कोई संघर्ष कर रहा है सफलता के लिए आप लोग भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ सभी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा पैमाने बदलते जा रहे हैं सफलता के बारे में कुछ सालों पहले अलग रही होगी लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान समय में सक्सेस का मतलब हो गया है पैसा आप कितने सफल हैं कि ये देखा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है उपलब्धि को भी इसी तरह देखा जाता है किसी फील्ड में हो आप कला के क्षेत्र में हो व्यापार के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो यदि आप पैसे कमा रहे हैं यदि आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पर हैं सफल हैं लोग आपको जानते हैं मानते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने पापड़ बेले कितना संघर्ष किया कितनी मेहनत की आज उस एंगल से हम इस सफलता को देखेंगे कि हमने सफलता पाने के लिए फेयर अपना अपना रास्ते अपनाए या एविल रास्ते अपनाए फाउल रास्ते शॉर्टकट्स या हम लोग मोरल थे नैतिकता से भरे हुए या इमाराल अनैतिक ये भी खास मुद्दा है आज का क्योंकि अक्सर लोग ना आजकल समय की भागा भागी है सबके पास समय का अभाव है सब भागम भाग में लगे हुए हैं आगे जाने की दौड़ ऐसे में लोग कम ही प्रवाह करते हैं कि लंबा रास्ता अपनाया जाए, कड़ी मेहनत वाला संघर्ष वाला लोग सफलता के लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए अक्सर शॉर्ट कट अपना लेते हैं और शॉर्टकट का मतलब है कई अनैतिक रास्ते रिलवेज़ तो यदि हम हथेली का विश्लेषण करें तो वहाँ पर कई रेखाओं के योग संयोग बनते हैं या कुछ नुभरते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि जातक तो को सफलता कैसे मिलेगी मोरल तरीके से या इमोराल तरीके से फेयर और फाउल फेयर और अनफेयर लेकिन आज हम बात करें केवल मॉराल तरीकों की केवल फेयर तरीकों की ये तो पक्का है मेहनत तो करनी पड़ेगी संघर्ष तो करना पड़ेगा इसके साथ साथ थोड़ा सा भाग्य का भी साथ चाहिए सफलता पाने के लिए लेकिन जो भी हमारे बस में हैं जो भी हमारे कैपेबिलिटी में हैं वो हमें करना चाहिए और ये चॉइस कि कौन सा तरीका अपनाना है शॉर्टकट या लॉन्ग कट फेयर और फाउल मॉरल और इमोरल ये तो हमारे हाथ में है तो आज बात कर रहे हैं फेयर की तो कुछ चिन्ह हैं कुछ योग संजो भरते हैं जो हमें इशारा कर सकते हैं कि जातक तक गलत रास्ते नहीं अपना सकता सफलता पाएगा लेकिन लॉन्ग कट से मेहनत से संघर्ष से कौन से ऐसे योग हैं आइए करते हैं विश्लेषण सबसे पहला योग देखिए ये हमारे लिटिल फिंगर ये अपोलो ये सैटर्न और ये हमारी इंडेक्स ये चारों उंगलियाँ ना हमारी हथेली पर लंबी हो मैडना हो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लेकिन जो टॉप फैलेंज है उसका जो टिप है ना मतलब ये वाला एरिया दिस वन ये वाला एरिया बोलते हैं इसको इन चारों उंगलियों का जो टिप होता है ना ऊपरी सिरा ये वाला है ये थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ हो ध्यान रखना उंगलियां बिल्कुल सीधी हो उनमें कोई बैंडिंग ना हो कोई झुकाव ना हो बस सारी हो, उंगलियों के जो टॉप फ्लेंज हैं उनका जो टिप है वो थोड़ा पीछे की तरफ झुका हो तो ऐसा जातक बहुत तेज बुद्धि वाला होता है बड़ी जल्दी से बात को समझ जाता है ऐसे लोग कभी भी शॉर्ट कट नहीं अपनाते सफलता के लिए मंजिल पाने के लिए कुछ हासिल करने के लिए वो कभी भी इन जो एविलवेज है ना शॉर्टकट्स, उनको नहीं अपनाएंगे वो बिल्कुल फेयर तरीकों से आगे बढ़ेंगे और मंजिल तक पहुँचेंगे ये हंड्रेड परसेंट पक्का है जिन जातकों की उंगलियाँ लंबी और सीधी हों और टिप थोड़ा बैकवर्ड झुका हुआ हो ऐसे जातक कभी बेईमानी कर ही नहीं सकते कभी गलत रास्ते को अपनाएंगे ही नहीं ऑनेस्ट होते हैं उनसे कभी यह आशा हो ही नहीं सकती कि ऐसा जा तक कोई गलत तरीका अपना सकता है ये पहला लक्षण है अब दूसरे की बात करते हैं देखिए यह हमारी अपोलो फिंगर इसके नीचे ये हमारा अपोलो माउंट हमारा अपोलो माउंट वेल well डेवलप्ड और यहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं साथ में ये हमारे इंडक्स फिंगर इसके नीचे ये जुपिटर वेल डेवलप्ड यहाँ भी कोई अशुभ निशान नहीं यदि ये दोनों पर्वत उठे हुए हों इतना ही काफ़ी है जातक गलत तरीकों से उपलब्धि हासिल करने से हमेशा बचेगा बहुत कम संभावना होती है उसके फिसलने की ईमानदार होता है और ईमानदारी से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है लेकिन फिर भी मान लीजिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट कोई पॉसिबिलिटी बन जाती है आउट ऑफ सर्कमस्टांसिस परिस्थितियों के वश, उसे कुछ गलत तरीका अपाना पड़े और बाद में वो एक्सपोज भी हो जाए यहाँ बहुत ही स्ट्रेंज बात होती है कि ऐसे जातक को जिनका अपोलो अच्छा है जिनका जुपिटर अच्छा है यदि उनकी पोल पट्टी खुल भी जाती है ना, उसके बावजूद भी उनका अप्यश नहीं होगा उल्टे वो फेमस होंगे अब डिस्ग्रेस नहीं अब पॉपुलरिटी ये खास बात संभावना बहुत कम होती है बहुत बहुत कम अगर फिर भी हो जाए और जब ये बातें उजागर हों इन सब के बावजूद भी जातक का नाम खराब कभी नहीं होगा उल्टे उसको प्रसिद्धि मिलेगी दूसरा लक्षण अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की देखिए ये हमारी लाइफ लाइन और यहां पर हमारा ये लोअर मार्स लोअर मार्स से एक रेखा निकलती है मंगल रेखा उसको बोलते हैं जीवन की सहायक रेखा या गॉर्जियन एंजल लाइन वो जीवन रिखा के बिल्कुल साथ साथ चलती है और बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्र पर्वत पर है और शुक्र किसका प्रतीक है प्रॉस्पैरिटी का वेल्थ का लग्जरियस लाइफ का तो मतलब जातक को सफलता मिलेगी धन कमाएगा वही प्रस्पर्टी है वही प्रॉपर्टी है वही फैसिलिटीज हैं वही लग्जरीज हैं सबका पैमाना एक सक्सेस अब यहाँ मंगल रेखा एक खास रोल अदा करती है वो कि यह जीवन रेखा के बहुत साथ साथ चलती थोड़ा दूर हटके चलती है और बहुत महीन होकर चलती है मोटी नहीं बहुत महीन मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा महीन दिक्कत है थोड़ा सा ये जो मार्कर है ना मोटा ही चलता है आप मान लेना कि बहुत महीन लाइन है देखिए कैसे ये यहाँ से निकली मान लीजिए और सा आशा चल रही है लाइफ टाइम के और नीचे तक पहुँच गई अब ये लाइफ लाइन के बहुत नजदीक नहीं है थोड़ा दूर हटके है और दूर मान लीजिए मान लीजिए यहां से निकल रही है लेकिन बहुत महीन बहुत पतली थिन, अब ये इशारा करेगी यदि जातक के हाथ में विनस पर्वत पर लाइफ लाइन की सहायक रेखा है मंगल रेखा गार्जियन एंजल लाइन देवदूत रेखा वो अगर थोड़ा सा दूर चले हटके चले और बहुत महीन होकर चले तो पक्का इशारा है कि ऐसा जातक कभी भी गलत रास्ते नहीं अपनाएगा शॉर्टकट नहीं अपनाएगा इम्बॉल तरीका नहीं अपनाएगा एविल नो पॉसिबिलिटी मेहनत करेगा संघर्ष करेगा और अपने मेहनत के भरोसे संघर्ष के भरोसे मंजिल तक पहुंचेगा इसमें कोई शंका नहीं यही पक्का कि गार्डन लाइन थोड़ी लाइफ लाइन से दूर हटके चले महीन रूप से आगे चलिए देखो यहाँ ना सबसे बड़ा रोल है जुपिटर का जुपिटर से क्या देखते हैं हम लोग तो देखते हैं कि धर्म अध्यात्म कुशलता राजनीति प्रबंधन ये कुल मिलाकर चरित्र और जब जुपिटर अच्छा होता है तो आदमी का चरित्र अच्छा होता है चरित्र अच्छा है मतलब आप ईमानदार हैं तो गलत रास्ते को अपनाएंगे ही नहीं तो कब बनता है हमारा जुपिटर बहुत अच्छा पहला तो वेल डेवलप्ड तो हो कुछ अच्छे निशान हो अब कौन से अच्छे निशान बात करते हैं यहाँ पर एक रिंग बने इसको बोलते हैं रिंग ऑफ सोलोमन जिसके हाथे बनती है वो जातक बड़ा पवित्र होता है जिंदगी पवित्र उसके तरीके भी पवित्र ऐसा आदमी बेमारी नहीं कर सकता शॉर्टकट नहीं अपनाएगा बिल्कुल मॉरल तरीके से आगे बढ़ेगा फेयर तरीकों से आगे बढ़ेगा मंजिल को पाएगा और देखिए कई बार यहीं से ना एक लाइन निकलती है इस तरह से इसको बोलते हैं सिंपैथी लाइन जहा तक के हाथ में होती है बड़ा दयालु होता है हालांकि वो अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त नहीं करता लेकिन होता बहुत ही उदार है ना खुद गिरेगा ना आपको गिरने देगा ना खुद गलत करेगा ना आपको गलत करने देगा तो जिस जातक के हाथ में जुपिटर पर सिंपैथी लाइन है वो भी गलत काम नहीं करेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सी मंजिल सक्सेस वहां तक पहुंचने के लिए वो संघर्ष करेगा मेहनत करेगा फेयर तरीके अपनाएगा आगे किस्मत लेकिन नो no, एलवेज नो no वे आगे चलिए यदि यहां पर क्रॉस बन जाए इसको अच्छा माना जाता है पवित्र वैसे पूरे हथेली पर क्रॉस कहीं भी अच्छा नहीं होता केवल जुपिटर पर हो तो अच्छा माना जाता है यहां से देखते हैं हम लोग वैवाहिक जीवन वैवाहिक खुशी Wealth, चरित्र तो अब चरित्र की बात आ गई मतलब आदमी अच्छा है फुलाओ फुलाओ बिनोवलेंट काइंडेड ऐसा जा तक भी न गत काम कर ही नहीं सकता वो सीधा सच्चा रास्ता अपनाएगा संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा और सफलता पाएगा पाएगा नहीं पाएगा ये तो अलग यहाँ पर लक फैक्टर काम करता है करता तो है इसका कोई पैमाना नहीं लेकिन लक फैक्टर काम करता है कई बार खूब संघर्ष खूब मेहनत रखी रह जाती है लक्की आगे निकल जाता है होता है विड़म्बना है कोई गलती नहीं कि आप मेहनत करें और सफल ही हो जाएंगे ना ना ऐसा भी हो सकता है कि आप खूब मेहनत करें और सबसे पीछे रह जाएं, तो यहाँ पैमाना बिल्कुल अलग आगे चलिए अगर यहाँ पर इनको उठा देते हैं एक लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन हेडलाइन से या लाइव लाइन से निकले और जुपिटर पर पहुंच जाए यह दिखाती है आदमी का इंटीग्रिटी वह एम्बिस भी है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरा जागरूक उससे उसका दिमाग घटता ही नहीं है और आखिर में उसको सफलता भी ज़रूर मिलती है तो अगर हमारे हाथ पर हथेली पर लाइन ऑफ एम्बिशन है जातक तक को सफलता मिलेगी और गुरु पर्वत पर है जुपिटर पर है तो चैत्रवान भी होगा एम्बिशियस है होना भी चाहिए आदमी को लेकिन वो गलत रास्ते नहीं अपराएगा सफलता के लिए सफलता जरूर मिलेगी पक्का पक्का मिलेगी अल्टीमेटली शायद लेट मिले लेकिन मिलेगी पक्का पक्का लेकिन ये जातक तक कभी एविलवेज शॉर्टकट्स फाउल मीन या इमोर वेज ये नहीं अपनाएगा सफल होके दिखाएगा ईमानदारी से संघर्ष से और किस्मत उसके ऊपर मेहरबा हो हो भी होगी पक्का होगी लाइन ऑफ एम्बिशन है आखिरकार ऐसे लोगों के सपने पूरे होते ही हैं तो ये मैंने कुछ योग बताए आपको कुछ चिन्ह बताए आपको मैंने यदि हमारे हाथ पर हथेली पर मिलते हैं तो पक्का मानिए इनमें से कोई एक सारे मिला तो मुश्किल है एक दो मिल सकते हैं एक भी मिल जाए तो पक्का मान लेना जा तक ईमानदार है गलत तरीकों से सफलता की तरफ जाएगा ही नहीं सफलता मिले या ना मिले लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाएगा कई बार लोग ना लालचवश स्वार्थवश इन्शेंट होकर अधीर होकर गलत रास्ते अपना लेते हैं कई बर्बाद हो जाते हैं कोई बहुत किस्मत वाला होगा पहुंच जाए मंजिल तक लेकिन अंदर तो कुछ उकलापन होगा कि मैं यहाँ गलत तरीके से पहुंचा हूँ अगर आप अच्छे रस्ते से पहुँचे हैं फेयर फेयर और मोर तरीके से पहुँचे हैं तो आपकी संतुष्टि अजब होगी अनोखी होगी आशा करता हूँ कि आपको सब योग समझ आ गए होंगे आपने वक्त निकाला वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई उस धन्यवाद आभार एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई शेयर भी कर दो लाइक भी कर दो और पास में ही बेल आइकॉन का बटन है ना उसको भी जरूर दबा तो देना और फिर वही पुराना वादा कि जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक बाय बाय सी यू सी यू सून नमस्कार नमस्ते थैंक यू शुक्रिया